नमस्कार मित्रों, मेरा नाम समीर अलावादी, टेक्निकल डायरेक्टर उत्कर्ष एग्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड सूरत। आज मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ केले की खेती के बारे में, जिसके अंदर अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में, अलग अलग वातावरण में केले की खेती में हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में बात करूँगा। ये उस सीरीज़ का पहला वीडियो है। दो समय में केले की प्लांटेशन होती है, एक गर्मियों में की जाती है और दूसरी बरसातों में की जाती है। तो अगर हमने गर्मी में प्लांटेशन किया है तो सबसे पहले जमीन प्लांटेशन करने से पहले ज़मीन को ठंडा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ज़मीन बहुत तपी रहती है। अगर दो तीन दिन ड्रिप इरिगेशन है तो ड्रिप को तीन चार दिन चला कर रखना चाहिए, और अगर ड्रिप इरिगेशन नहीं है, सादा पानी है, तो आपको फ्लड से एक बार पहले पानी दे देना चाहिए, उसके बाद में आपको प्लांटेशन करना चाहिए। हम गर्मी में प्लांटेशन कर रहे हैं कि मानसून में कर रहे हैं, बरसातों में कर रहे हैं, दोनों टाइम पे प्लांटेशन करने के बाद में तुरंत पहले 500 ml से 1 लीटर पानी पौधे को मिलना चाहिए, ताकि उसके नीचे जो हवा रह गई हो वो हवा निकल जाए। इसके साथ साथ आप फंगीसाइड भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप गर्मी में प्लांटेशन कर रहे हैं तो आप केमिकल फंगीसाइड यूज़ कर सकते हैं, उसके साथ में रूट्स बनाने की दवाई भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप बरसातों में प्लांटेशन कर रहे हैं तो आप बायोलॉजिकल फंगीसाइड यूज़ कर सकते हैं, जैसे उत्कर्ष का माइक्रोब्स आता है, वाउमाउस आता है, वो हम यूज़ कर सकते हैं। अगर मानसून का पीरियड है और बहुत सारा पानी भर जाता है, तो सबसे पहला काम हमें करना चाहिए कि पानी जो भरा हुआ है उसको खेत में से निकाल डालें, और उसके बाद में तुरंत रूट्स मल्टीप्लायर का ड्रेंचिंग करें, ताकि नई जड़ें तुरंत के तुरंत बन जाएँ। 10-15 दिन अगर हो गए हैं प्लांटेशन के और कुछ भी मोर्टेलिटी मरण नहीं है, तो हमें फर्टिलाइज़र का ड्रेंचिंग करना चाहिए। शुरुआत में फॉस्फरस, माइक्रोन्यूट्रेंट, इन सब का ड्रेंचिंग करना चाहिए। हमको हर 7-7 दिन के अंदर तीन या चार बार ड्रेंचिंग करते हैं तो पौधे का जीन एक्सप्रेशन शुरू हो जाता है, और वो देशी भाषा में कहें तो चाल पकड़ लेता है, और उसको फिर ग्रोथ कोई रोक नहीं पाता है। साथ में अगर बहुत बरसात गिर रही है तो ड्रेंचिंग करने से लीच आउट हो जाता है, फर्टिलाइज़र निकल जाता है, तो उस समय हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के साथ में DAP और अमोनियम सल्फेट दे सकते हैं और उसको दबा सकते हैं, ताकि कोई तकलीफ ना पड़े, और उसको न्यूट्रिशन जब जब ज़रूरत पड़े तब तब दे दें। बरसात 5-6 दिन के लिए अगर बंद हो गई है और पानी अगर पौधों में आ सकता है, तो उस समय ड्रेंचिंग के द्वारा फर्टिलाइज़र दें। साथ में स्प्रे के द्वारा भी फर्टिलाइज़र दे सकते हैं शुरुआत में, ताकि उसके ग्रोथ शुरू हो जाए। जब पौधा अराउंड 60 दिन के आसपास का होता है, तो 15 से 20 दिन के लिए आप पानी बंद कर सकते हैं अगर मानसून नहीं है। ये करने से जड़ों में जड़ें नीचे तक चली जाती हैं। इस तरह के और वीडियो, अगली सीरीज़ हमारे देखने के लिए आप हमारा YouTube चैनल उत्कर्ष एग्रोकेम को सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाकर Facebook पर हमारा पेज को लाइक करें, ताकि आपको हमारे वीडियो तुरंत मिलते रहें। मैं समीर अलावादी, टेक्निकल डायरेक्टर उत्कर्ष एग्रोकेम। नमस्कार मित्रों।